आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दिन है आज थर्सडे, दोपहर के ठीक पौने एक बज गए हैं और मुझे अभी पैकिंग करनी है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ससुराल भी हरिद्वार में ही है, तो हम हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं अभी दोपहर में। और कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी पहले से, इनको जाना था, मुझे नहीं जाना था, लेकिन अचानक से जो है ना आज ही मॉर्निंग में प्लानिंग हुई कि चलो हम भी चलते हैं साथ में। मॉर्निंग की प्लानिंग होती है तो ऐसे ही होता है, कुछ भी पैकिंग नहीं की है अभी तक। अभी जाऊंगी, पैकिंग करनी है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने दादी दादू के पास जाने के लिए। और आप लोगों की भी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी क्योंकि अभी बोलते हो कि दी आप अपने ससुराल नहीं जाती हो, अपनी ससुराल नहीं दिखाती हो, हमने आपकी ससुराल नहीं देखी, आपने किसी से नहीं मिलवाया अपने इन लॉज से। तो इस बार मैं जा रही हूँ और आपको अब मेरे ससुराल के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, आपको दिखाऊंगी मेरी ससुराल कैसी है, तो आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी मुझसे। सारे काम करने मुझे दोपहर में 3:30-4 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो पहले अपनी पैकिंग कर लेते हैं फटाफट से और जितने भी मुझे थोड़े बहुत काम है वो मैं निपटा लेती हूँ और उसके बाद आप लोग। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए, लेकिन जल्दीबाजी में पैकिंग कर रही थी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखें क्या ना रखें। और जब हमारे जल्दीबाजी में कुछ प्लान बनते हैं जिनका पहले से पता नहीं होता है तो ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी जो जो समझ आया मैं वो रखती गई। और बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था क्योंकि बच्चों के साथ जो है बहुत सारे कपड़े लाने ही पड़ते हैं। यहाँ पर जो है ना पैकिंग पूरी हो चुकी है और अभी बहुत सारे काम थे जो मुझे जाने से पहले निपटाने थे तो उन्हीं को निपटा रही हूँ मैं। और ये देखिए मॉर्निंग में कपड़े भी धोके डाले थे तो ये सूख गए। एक तरफ मैंने जो है ना घी भी बनाने रखा है मलाई का, तो हमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ से क्योंकि अब जा रहे हैं तो आने का भी पता नहीं है कब तक वापस आएंगे। तो मलाई थोड़ी सी रखी थी तो मैंने सोचा फटाफट से इसका घी भी बना लेते क्योंकि मलाई तो ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर अभी सबके लिए लस्सी भी बन रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और काम करते करते मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि दही मुझे ख़त्म करनी थी तो उस वक्त पे लस्सी ही एक ऑप्शन था जिससे दही ख़त्म हो जाती, वरना रखी रहती तो वो ख़राब ही होनी थी। काम करने में इतना ज़्यादा बिजी थी लेकिन बच्चों की जो डिमांड है ना वो नहीं ख़त्म हो रही थी। मतलब किसी को मीठी लस्सी चाहिए, किसी को नमकीन, तो मैंने अपने लिए मीठी लस्सी बनाई, इनके लिए भी मीठी बनाई, लेकिन वंशिका को फिर नमकीन लस्सी चाहिए थी तो उसके लिए वो बनाया। पर बर्तन भी मुझे वॉश करने, बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं क्योंकि नाश्ते के बाद के बर्तन थे ये जो मैंने वॉश नहीं किए थे। तो किचन विचन भी मैं क्लीन कर रही हूँ, हालांकि आने के बाद मुझे सारा अगेन क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से गंदी छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो किचन विचन क्लीन करूँगी। अभी थोड़े से जो हैं बर्तन हैं वो भी वॉश करने हैं। गर्मी और ऊपर से जाने की जल्दी, तो ऐसा लग रहा था कि काम और ज़्यादा लेट हो रहा है। होता है ना जब हमें कहीं जाने की जल्दी होती है और हम जितना जल्दी चाहें कि काम निपट जाए वो उतना ही ज़्यादा लेट होता है। और यहाँ पर जो है इतनी देर में घी भी बनके रेडी है तो बस अब इसे जो है मैं स्टील का जो मेरा बॉक्स है घी रखने का उसमें रख दूंगी और उसके बाद जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। कहाँ जा रहे हो? कैसा लग रहा है? अच्छा समझ लो तुम्हारा ही घर है। कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाने के लिए? एक्साइटेड है तू?
घर ही है। अरे वाह, वैसे भी पुराना घर है तो क्या। ठीक 3:30 और हम लोग जो है निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए और हमें पहुंचने में करीब 3-3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। पहले तो 4-4.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब हाईवे इतना अच्छा हो गया है ना हरिद्वार तक का कि टाइम कम लगता है। बस ट्रैफिक की बात होती है, अगर बीच में ट्रैफिक मिल गया तो, वैसे हाईवे पे ट्रैफिक भी ज्यादा मिलता नहीं है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग कहीं पर रुके हुए हैं, थोड़ा सा ये ATM गए हैं पैसे निकालने के लिए और मेरे साथ बच्चे बैठे हैं। देखिए विदानिश की मस्ती शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हरिद्वार में भी इतनी ही गर्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ से काफी ज्यादा ठीक रहता है वहाँ पर। अभी जाके देखेंगे, क्या पता हमारे जाने के बाद वहाँ पर मौसम जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए। चलो 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 यहाँ पर हम रास्ते में कहीं पर रुके हैं क्योंकि हमें लेने हैं पिज़्ज़ा। बहुत तेज़ जो है ना भूख लग गई थी, हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो बच्चों की डिमांड थी कि पिज़्ज़ा लिया जाए, तो हमने कहा ठीक है पिज़्ज़ा ले लेते हैं। उसके साथ वो मम्मी के साथ शेयर करेगा ना, है ना। हाँ तो अभी जो है इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी रुके हुए हैं। बच्चों को भूख लग गई थी, सबको भूख लग गई थी, हम लोगों ने दोपहर का लंच नहीं किया था, तो बस हम लोग अभी पिज़्ज़ा लिया है हम लोगों ने और बच्चों के लिए ली है आइसक्रीम। कैसी हो रही है, बच्चे खुश हो गए हैं। तो मेरे को टेस्ट करा दो। वेदांश को उन्होंने एक्स्ट्रा आइसक्रीम दी मम्मा के साथ शेयर करने के लिए, बट वो शेयर नहीं करा रहा है, पहले ही अलग जाके बैठ गया है। मेरा बेटा बड़ा नहीं तो में आ जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने पिज्जा जो है ना ले लिए हैं, लेकिन हम खाएंगे गाड़ी में बैठ के क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया है हम लोगों को और अभी हमें पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे आराम से लगेंगे। तो ले लिए हमने 2 पिज्जा ऑर्डर करवाए। ठीक 9:30 और फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने ससुराल में। तो 8 बजे के करीब पहुंचे थे, डिनर वगैरह हो चुका है और अब हम आ गए हैं छत पे थोड़ा सा घूमने के लिए। अभी चारों तरफ अंधेरा है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा, ये जो है मैं सुबह दिखाऊंगी आपको कि कैसी दिखती है मेरी ससुराल, क्योंकि चारों तरफ का व्यू आपको सुबह ही देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो चारों तरफ देखिए अंधेरा एकदम, देखिए बिल्कुल अंधेरा है। मेरे साथ है वेदांश और अपने इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं हम। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बोल दो बाय बाय।